व्हाट्सएप। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हुदा ब्यूटी का 4 फिल्टर फाउंडेशन का रिव्यू। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं इसे परचेज करूँ और इसे अप्लाई करके देखूँ ये कैसा लुक, मतलब कैसा फाउंडेशन है। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है इस फाउंडेशन के और ज़्यादातर प्रोफेशनल इस फाउंडेशन को यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं जस्ट फटाफट से बता दूँ इसकी पैकेजिंग के बारे में कि क्या है और कितनी इसकी MRP है और कितना कंटेन करता है ये प्रोडक्ट। सो हुदा ब्यूटी 4 फिल्टर फाउंडेशन इज 35 ml, जो इसकी क्वांटिटी है वो है 35 ml और इसका जो प्राइस है वो है 3310, यानी 3310 rupees का ये आता है। और 3310 rupees में अगर आपको 35 ml फाउंडेशन हुदा ब्यूटी का मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब इसकी क्वांटिटी जो है वो अच्छी दी जा रही है। और जो भी आप फाउंडेशन परचेज करेंगे यहाँ पे इसका जो है प्रिंट अवेलेबल रहता है, ये जस्ट ऊपर जो शेड है आपने जो भी परचेज किया होगा उसी शेड का यहाँ पे लेबल आपका मिलेगा। जैसे कि मेरा जो शेड है वो इस शेड का है तो वो उसी कलर का लेबल यहाँ पे चिपका हुआ है। हुदा ब्यूटी में जो 30 shades में ये फाउंडेशन लेके आए हैं और इसको मैंने बेसिकली नायका से परचेज किया था। मैंने हुदा ब्यूटी की साइट पे जाके देखा तो काफ़ी ज़्यादा शेड थे वहाँ पे, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज ही हो गई थी। तो खैर मैंने नायका से परचेज किया, मैंने और भी प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं अपने नायका के। और अभी तक अगर आपने मेरा नायका हॉल नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक दिख जाएगा, तो आप जाके जल्दी से चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने नायका से क्या क्या ऑर्डर किया। तो उसी नायका प्रोडक्ट्स में मैंने ये हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन भी मंगवाया था अपने लिए। तो मैं जल्दी से इसके अंदर की पैकेजिंग के बारे में आपको बताती हूँ कि ये कैसा है और जल्दी से फटाफट से इसे ओपन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं पढ़ लेती हूँ इसमें डायरेक्शंस क्या है। यूजिंग अ पंप और लेस अप्लाई फाउंडेशन इवनली ऑल ओवर योर फेस विद द डेंस ब्रश ब्यूटी स्पंज फॉर द बेस्ट एप्लीकेशन पेयर विद द हुदा ब्यूटी प्री मेकअप बेस। यानी कि इसमें जो लिखा है कि आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं और हुदा ब्यूटी का बेस लगाने के बाद इसे अप्लाई करेंगे तो और भी फ्लॉलेस लुक आएगा। हालांकि मैंने कोई भी इस तरह से प्राइमर वगैरह का यूज़ नहीं किया है हुदा ब्यूटी के, मैंने अपना जो पर्सनल प्राइमर था उसी को अप्लाई किया है इसको लगाने से पहले। और अभी आगे वीडियो में आप देखोगे कि मैंने इसे कैसे अप्लाई किया है। तो जल्दी से फटाफट से इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कैसा इसका बॉटल है। ओके, सो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है और ये प्लास्टिक की बोतल में हुदा ब्यूटी का पैक है। ये प्लास्टिक की बोतल है जो कि काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, अगर आप कहीं पे भी ले जाएंगे। अगर देखिए ग्लास की, मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ में देखा कि लोग चाहते थे कि ग्लास की बोतल में हो, लेकिन मैं पर्सनली अपनी ओपिनियन बताऊँ तो ये अगर प्लास्टिक की बोतल में है तो काफ़ी आसानी से आप कहीं पे भी इसे ले जा सकते हैं। यानी कि आपको डर नहीं रहेगा कि अरे ये मेरे बैग में टूट ना जाए। ग्लास की बोतल्स क्या होती है, डैमेज होने के ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। तो अगर आपको ये प्लास्टिक की बोतल में मिल रहा है तो ये आपके लिए काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली होगा। तो मेरे को तो ये बिल्कुल पसंद आया है और इस पैकेजिंग के लिए मैं इसको 10 out of 10 दूंगी। और इसमें देखते हैं कि अच्छा, इसमें लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है। तो ये बना है 320, यानी कि मार्च 2020 में ये बना है और एक्सपायरी डेट है वो है 323, यानी कि ये मार्च 2023 में एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि बेसिकली ये 3 years तक मेरा एक्सपायर नहीं होगा। और मुझे लगता है कि 3 years के अंदर तो आप, क्योंकि अगर आप बाहर जाते रहते हैं, कोई फंक्शन पार्टी अटेंड करते रहते हैं, तो 3 years में तो ये आपका यूज़ हो ही जाएगा। और 3000 में अगर मान के चले तो मैं पर ईयर का 1000 rupees अपने फाउंडेशन में एक्सपेंस कर सकती हूँ। जल्दी से इसे ओपन करके देखते हैं ये इसमें अंदर से ये कैसा है। ये देखिए इस तरह से ये कैप दिया हुआ है और इसमें ये पंप दिया हुआ है। पंप से बेसिकली क्या होता है, आपका एक्सेस फाउंडेशन नहीं निकलेगा, जिससे कि जो वेस्टेज है वो आपकी बच जाएगी। मैंने बहुत सारे फाउंडेशन में देखा है, हालांकि मैंने मैक में भी देखा है कि पंप नहीं दिया रहता है, तो उसकी वजह से हमें जब फाउंडेशन निकालते हैं तो वो एक्सेस प्रोडक्ट निकल जाता है जिससे हमें दोबारा रखना पड़ता है। तो आप ये पंप की हेल्प से 1 से 2 pumps भी अगर आप लेते हैं तो फुल फेस को कवर करने के लिए बिल्कुल ये सफिशियंट रहेगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1 to 2 pumps फॉर फुल कवरेज, ठीक है, 1 से 2 pumps लेना है और ये फुल आपको फेस को कवर कर देगा। और ये पंप इसका बहुत ही अच्छा पार्ट है कि ये एक तो प्लास्टिक की बोतल है, इसमें मैंने 10 out of 10 दिया है इसे, और इसके साथ जो ये पंप दिया हुआ है इसमें भी मैं 10 out of 10 दूंगी। अब आगे मैं लगा के देखती हूँ ये कैसा वर्क करता है। और ये मैटी फिनिश देता है, तो अगर आप ड्राई स्किन है तो आप अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर ले, अगर आप ऑयली स्किन है तो आपके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन आपके फेस को एक मैटिफाइंग लुक देगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसे अप्लाई करके देखते हैं ये कैसा है।
सो जस्ट आई हैव प्रेप्ड माई स्किन राइट नाउ और जस्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा एक पिम्पल भी आ गया था, तो अब मैं चलिए अप्लाई करके देखती हूँ अपने फाउंडेशन को, हुदा ब्यूटी फाउंडेशन को, ये कैसा वर्क करता है. और मैंने अभी इस समय कोई भी कंसीलर अप्लाई नहीं किया हुआ है अपने फेस पे, और क्योंकि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है तो लेट्स सी ये कितना कवर करता है. और जस्ट इस फाउंडेशन के आपको 1 or 2 पंप लेने हैं. मैं अपने हैंड पे इसे लेती हूँ. ओके 1 and 2 That's it. मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ इस फाउंडेशन को विद द हेल्प ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर. अगर आप चाहें तो इसे ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ कि इस फाउंडेशन को मैं अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके, पूरे फेस में नहीं, जस्ट मैं पहले हाफ फेस में अप्लाई करके देखती हूँ कि क्या ये वर्क कैसा कर रहा है, और उसके बाद मैं पूरे फेस में अप्लाई करूंगी. क्योंकि इस फाउंडेशन में क्या होता है कि अगर आपने जल्दी से ब्लेंड नहीं किया तो यहाँ पे ये बहुत ही जल्दी मैटिफाइंग इसका लुक होता है, तो बहुत ही जल्दी ये ड्राई होने लगता है. तो मैं जस्ट अपने हाफ फेस को कवर करूंगी और उससे अप्लाई करने के बाद आपको देखेगा डिफरेंस कि ये सच में फुल कवरेज दे रहा है कि नहीं. तो मैं जस्ट इसे फिंगर टिप की हेल्प से डॉट डॉट करके पूरे फेस में अप्लाई कर देती हूँ फटाफट. जल्दी से इसे ब्लेंड करते हैं. ओह वाओ, वाओ, सच में ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, आप देख सकते हैं. ये अभी आपको शेड लग रहा होगा कि ये मेरे स्किन टोन से मैच नहीं कर रहा है, बट ऐसा नहीं है. जो मैंने हुडा फाउंडेशन के जितने भी रिव्यू देखे उसमें सबने ही ये कहा है, ये 2 शेड ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि आप जिस शेड का अप्लाई करोगे आफ्टर 1 आवर बाद आपका जो ये फाउंडेशन है आपके फेस टोन से, स्किन टोन से बिल्कुल मैच हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइज होता है. तो ये देखिए ये इसकी कवरेज है, और मैंने अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है इसे एक साइड. आप देख सकते हैं पूरी तरह इसने मेरे फेस के सारी पिगमेंटेशन को, सब कुछ इसने हाइड कर दिया है. इस फेस में और इस फेस में डिफरेंस देखिए. तो अब मैं जस्ट हाफ पोर्शन भी अपना कवर करती हूँ. तो मैंने कर लिया है अच्छे से ब्लेंड फाउंडेशन को, और ये अभी मेरी लाइट पड़ रही फेस में, मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ इसका फिनिश कैसा है. तो मैं आपको रूम लाइट में दिखाती हूँ इसका फिनिश, और ये किस मेरे फेस में कैसा सुटेबल है या नहीं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेड है ये मेरे फेस के लिए, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने अपने फेस में कुछ भी अप्लाई किया हुआ है. और ब्यूटी ब्लेंडर से अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, ब्रश से अप्लाई करेंगे, तो वो आपको बिल्कुल ही फुल कवरेज देगा, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है, जितने भी एक्सेस प्रोडक्ट होता है उसे अब्सॉर्ब कर लेता है. सो अगर आप चाहें तो इसे फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अप्लाई करें, तो ये आपको बिल्कुल फुल कवरेज देगा. और देखिए कितना स्किन मेरी नेचुरल लाइट में, देखिए कितनी फ्लॉलेस लग रही है, एकदम मेरे पिगमेंटेशन वगैरह सबको हाइड कर लिया है. तो जल्दी से मैं फटाफट से करती हूँ अपना मेकअप कंप्लीट, फिर मैं आपके साथ जुड़ती हूँ. सो फ्रेंड्स, मैंने अप्लाई कर लिया है अपने पूरे फेस में फाउंडेशन. आप मुझे बताइए ये कैसा लुक है, देखें. तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आगे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूंगी, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास अभी रखे हुए हैं जो आपके लिए रिव्यू लेके आने हैं. और अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मेरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका रिव्यू आपके लिए जरूर डालूंगी. और अगर आपको मेरा ये फुल मेकअप लुक पसंद आया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ये फुल मेकअप लुक अपलोड करने वाली हूँ. तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें. सो होप दिस हेल्प्स.